जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एक्सपोनेंट पार्ट 8, ठीक है, आज लास्ट है, आज लास्ट है, आज है क्लास 9 के लिए, 8 के लिए नहीं है, ठीक है, क्लास 9 के लिए है, लास्ट है। आज हमको एक दो क्वेश्चन बताना है और क्वेश्चन देना है बनाने के लिए आपको मैक्सिमम, ठीक है। चल जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ गंगा। एक्सपोनेंट पार्ट 8 किसके लिए है भाई? क्लास 9, ठीक है, सिर्फ 9 वाला को भी दे, 8 वाला को भी दे, एक और बढ़ाना होगा, ठीक है, रहने दो, क्लास 9। चलिए एक्सपोनेंट हमको क्वेश्चन बताना, पहले एक दो, पहले हम आपको क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 होल 17/27। यही मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तुम लोग अपने ट्राई कर लो, क्या पहले अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद मिलाना सही है या गलत, ठीक। चलिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि भाई ये जो स्क्वायर रूट है, क्या इसको उड़ाना चाहेगा, यही नहीं सोचेगा। तो स्क्वायर रूट यदि हम उड़ाएंगे तो उस पर जाकर हम स्क्वायर डालेंगे तो हो जाएगा और लफड़ा, नहीं करके देखो। अभी तो पहले क्वेश्चन को सेट करो। क्वेश्चन मेरा है कि 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, अभी तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो किया तो इसको आ गया कितना, 125/27। अब हमको बताओ कि स्क्वायर रूट हटाएंगे, उधर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, नहीं इसीलिए इस पार्ट को छोड़, ठीक है। अच्छा ये मेरा ठीक नहीं हुआ है, अब ठीक क्या, अब नजदीक आया थोड़ा सा। चलिए तो हमारे पास और दूसरा क्या चारा है, और दूसरा एक चारा, आप जो एक्सपोनेंट पढ़े, इतना मेहनत किए, इतना रूल अपनाए, इसका पावर क्या 1-2x, नहीं तब उसका पावर क्या 1/2, क्या ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट था, ठीक है स्क्वायर रूट था तो पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या करेगा सूत्र को, अब हमको क्या करना है, 1/2 से इसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अब हम क्या लिखेंगे, अब मेरे पास बच जाएगा, ब्रैकेट उड़ा देते हम, 3/5 का पावर 1/2 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 1-2x से, और इधर तो मेरे पास 125/120 कितना 27, ठीक। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर 1/2 माइनस कितना x, नहीं हो गया, टू टू कट गया, इज इक्वल टू 125/ कितना 27, नहीं अब क्या करेगा सो देखो, अब हम करेंगे इसको और सॉल्व कर लो, एक स्टेप क्या है जगह,
हो जाएगा। एक स्टेप और यदि हम करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 3/5, इसका एलसीएम लगेगा तो क्या आ जाएगा 2, तो 1 माइनस कितना 2x, 125 बाय कितना 26, ठीक है, 1 माइनस 2x बाय 2 इज इक्वल टू इतना। अच्छा एक काम करो, ये जो 125 बाय 27 है इसको भी हम क्या कर सकते हैं 5/3 का पावर 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो अब तुमको क्या आ रहा है, यहाँ है 3/5, यहाँ है 5/3, ठीक, तो उसको तो हम पलट सकते हैं, 5/3 को हम 3/5 का पावर -3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस हो गया मेरा काम। यानी मेरा काम हो गया कि 3/5 का पावर कितना है यहाँ 1 - 2x बाय 2, अब उधर हम कर देंगे 3/5 होल टू दी पावर कितना -3, हो गया काम खत्म। यही ना मेरा रूल है, या तो बेस सेम करो तो पावर सेम करो, तो बेस सेम कर दिया, बेस सेम कर दिया 1 - 2x बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया -3, यानी 1 - 2x इज इक्वल टू कितना -6, यानी -2x -6 माइनस कितना 1, यानी -2x माइनस कितना 7, यानी x इज इक्वल टू कितना 7/2, हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में आइए, क्या है टू, फिर इसका ढक्कन कहाँ भाग गया। क्वेश्चन नंबर टू है आपका कि इसमें है डिटरमाइन कितना, ठीक है, ये सॉल्व फॉर एक्स नहीं, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है आपका कि डिटरमाइन कितना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है 8x होल टू दी पावर एक्स, ठीक है, इफ 9 टू दी पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू दी पावर एक्स, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, इसका वैल्यू निकालना है। यदि आपको ये दिया हुआ है यहीं से लेके चलेंगे, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलिएगा, ठीक, तो क्या दिया हुआ है 9 टू दी पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू दी पावर एक्स, ठीक। पहला ब्रेन हम लोगों का कहाँ जा रहा है, 9 9 दोनों को एक साथ करो, ये नहीं जा रहा है, चलो हम क्या करेंगे 9 टू दी पावर एक्स प्लस 2 माइनस 9 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 240, यही करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम कर सकते हैं 9 टू दी पावर एक्स इंटू क्या 9 टू दी पावर 2 माइनस 9 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू कितना 240, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 9 टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 240, यानी 9 टू दी पावर एक्स ये कितना हो गया 81 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 240, यानी 9 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 240 अब बाय कितना 80 हो जाएगा, तो कितना बच गया 3, यानी 9 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक। यहाँ भी बेस सेम करना है, ठीक, बेस जब सेम करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का पावर एक्स इज इक्वल टू 3, यानी अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 3, यानी अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2x, अब यहाँ चाहिए 3, यानी 3 टू दी पावर 1, कोई हर्ज नहीं, इसीलिए 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना 1/2,
सब इक्वल करते जाओ, साइन देते जाओ, ठीक है, और इतना देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये भी तो हम x का वैल्यू निकाले हैं, हो अभी तो x का वैल्यू निकाल रहे हैं, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, 8 × 1/2 × 4 × 1/2 √4 = 4। हो गया, चलिए दो क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ठीक है, बताए थे सर क्या, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, क्या क्वेश्चन, √32 × √32 × x, ठीक है, डिवाइड 2 × y + 1, ठीक है, √1, ठीक है। और एक और दिया है आपको कि 16 × −x/2 − 8 × y = 0। देखो स्पीड कैसे कैसे बढ़ता है, एक तो उस टॉपिक के बारे में सारा जानकारी रहना चाहिए तुमको, इसलिए डीप में जाते रहते हैं, फॉर्मूला को बार बार बताते हैं, प्रूफ करते हैं, क्यों कि धीरे 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 तुमको उसको अंदर में जाना, ठीक चला गया। उसके बाद जब क्वेश्चन समझ गया तुमको बनाने आना चाहिए, ठीक, बनाने आ गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है कि अब तुमको स्पीड चाहिए, नहीं स्पीड कैसे होगा, बार बार उस चीज़ को हम बनाएंगे तब स्पीड होगा, यानी प्रैक्टिस, ठीक, तब जाके क्लियर होता है। अब हमको जो चाहिए वो बच्चा तब हमको मिलता है, समझ गया। चल मेरे पास दो चीज दिया, एक दिया √32 × x, ठीक है, अब हम थोड़ा शॉर्ट से लेके चलते हैं, √32 × x इसका मतलब कितना हुआ, 32 का कितना हुआ, 2√2, नहीं कितना, 4√2, ठीक, तो 4√2 × x, हमको जो है लेना किस में, 2 के टर्म, यानी रूट टू में ले लो, दोनों को रूट टू में ले लो, तो ये रूट टू का कितना करेंगे हम पावर, सो बताओ, सोच के देखो, √32 × x है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 4√2 × x, पहली बात, ठीक, इस 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं रूट में, सो बताओ, 4 के लिए 2√2 के केस में क्या क्या लिख सकते हैं, कितना आएगा, तो √2 × √2 कितना हो गया, 2, और √2 × √2 कितना हो गया, 4, यानी √2 × 4, नहीं आ गया, ये मेरा आ गया √2 × कितना, 4, इंटू यहाँ √2 था ही, और तब इसका पावर क्या था, एक्स, यानी √2 × कितना, 5, अब तब इसका पावर कितना, एक्स, यानी √2 × कितना होगा, 5x, नहीं हो गया, √2 × 4, बोलो कितना हुआ, √2 √2 √2 √2 √2 यानी कितना हो गया, 4, ठीक है, √2 × 5x, ठीक है, गलती नहीं ना, देख लो, √2 × कितना हो गया मेरा, 5x, ठीक है। अब जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/2 × 5x, यानी क्या, 5x/2, हो गया, 2 × 5x/2, ठीक है। और अब दूसरा टर्म है मेरा 2 × y + 1, तब है कितना, 1, ठीक है, इसको तो हम बाय में भी ला सकते हैं ना, यदि हम बाय में ले आते हैं तो 2 × 5x/2 / 2 × y + 1,
इज इक्वल टू कितना वन, ठीक है। अब क्या करेगा सूत्र, अब हम दोनों का बेस सेम है, ठीक है, डिवाइड है, क्या आ जाएगा माइनस, एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5x by 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 2 to the power 0, 1 के बदला में हम 2 to the power 0 लिख सकते हैं, यही सुविधा है, जहाँ जहाँ 1 होगा आराम से हम 2 to the power लिख सकते हैं, क्या, यानी अब मेरे पास क्या आ गया, इसको यदि सॉल्व करेगा तुम तो 5x by 2 minus y minus 1 इज इक्वल टू कितना 1, यानी 0, क्योंकि 2 to the power 0, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया है? अब आराम से तो सॉल्व कर सकता है, एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2, यानी 5x minus 2y minus 2 इक्वल टू कितना 0, यानी 5x minus 2y इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक इक्वेशन मेरा निकल गया 5x minus 2y इज इक्वल टू 2, यानी अभी तक हम लोग इसको कर रहे हैं, देख रहा है कितना लंबा खींच रहा है, यानी ब्रेन एक जगह नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन बनाओ, अब पढ़ रहे हैं, दिमाग है टीवी पर, पढ़ रहे हैं दिमाग है मोबाइल पर, पढ़ रहे हैं दिमाग है मम्मी के किचन पर, पढ़ रहे हैं दिमाग है दोस्त के जैसे मोबाइल पर, तब नहीं होगा, थोड़ा भी दिमाग इधर से उधर हो, देखता है हम भी कभी बनाते रहते बनाते दिमाग थोड़ा भी उधर चला जाता है, किसी प्रकार का बात आ गया बस यहाँ आकर उल्टा हो जाता है, इसलिए 100% कंसंट्रेशन चाहिए, एक प्लस से माइनस हुआ कि सारा काम खत्म। अब आया दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ लेके चलते हैं, क्या है दूसरा पॉइंट, 16 to the power 4 minus x by 2 माइनस 8 to the power y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले सो देखो इज इक्वल टू 2 0 है तो हम यह है 16 है यह 8, सबको बेस 2 में लेके चले जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4 लिख सकते हैं 2 to the power 4, तो 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 minus x by 2, इसको लिख देते हैं 2 to the power 3, 3 हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना 0, हो गया है। अब आ गया, अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख सकते हैं 2 to the power 16 minus 2x minus 2 to the power 3y इज इक्वल टू कितना 0, तो 2 to the power 16 minus 2x माइनस 2, इसको भी इधर हम कर सकते हैं 2 to the power 16 minus 2x इतना आसान है, इज इक्वल टू 2 to the power 3, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अब दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर सेम 16 माइनस कितना 2x इज इक्वल टू कितना 3y, उसको उधर लेके चले जाओ क्या होगा 2x plus 3y इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, और x और y का वैल्यू हम निकाल के रख देते हैं आपको, वह अब आपका काम है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, टाइम तो मेरा चला गया नहीं, हमको लगता है एक और बनाना होगा क्या, क्वेश्चन हमको लिखना है, जा चलिए लिखे फटाफट क्वेश्चन लिखे, तो यही होता है लैपटॉप से बनता है ना, तो लैपटॉप से बनता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, नहीं बना लैपटॉप से मोबाइल से तो फिक्स है 22 मिनट 23 मिनट क्या, चलिए फटाफट लिखिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, पहला है 3 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 27 into 3 to the power 4, दूसरा है 4 to the power 2x इज इक्वल टू क्यूब रूट 16 to the power कितना है माइनस 6 by y
इज इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री है, थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू फाइव टू द पावर ट्वेल्व माइनस थ्री इज इक्वल टू 225। क्वेश्चन नंबर फोर है, एट टू द पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 16 टू द पावर वाई प्लस टू। ठीक है, और इसी में दूसरा इक्वेशन है, वन बाई टू टू द पावर थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर टू द पावर थ्री वन। ठीक है, चार क्वेश्चन हो गया आपका ही सॉल्व फॉर एक्स के लिए। ठीक, अब आ जाइए आप पांच ले लीजिए, पांचवा ले लीजिए, फाइव टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन। छठा ले लीजिए, थर्टीन टू द पावर रूट एक्स इज इक्वल टू फोर टू द पावर फोर माइनस थ्री टू द पावर फोर माइनस सिक्स। सातवां ले लीजिए, अंडर रूट थ्री बाय फाइव होल टू द पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 125 बाय 27। नौवा ले लीजिए, क्यूब रूट ऑफ फोर टू द पावर टू एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू 1/30। क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए, अंडर रूट पी बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय पी होल टू द पावर 1-2x। क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए, 13 बता दिए नहीं दिए, 13 टू द पावर रूट एक्स दिए सर, वो तो दे चुके हैं ना, 13 टू द पावर रूट एक्स वाला क्यू रूट फोर वाला भी दे चुके थे क्या, दोबारा दे दिए हैं क्या? देखो तुम ये क्वेश्चन नहीं दिया, एक 11 नंबर, हाँ 11 नंबर में आ जाओ, 4 टू द पावर x माइनस वन, 4 टू द पावर x माइनस वन इंटू 0.5 टू द पावर 3-2x इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर x। टाइम खत्म होने वाला है, 10 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। पहला, 3 इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस 1-2 टू द पावर एक्स प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया खत्म, चलो हम लिख देते हैं, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 टू द पावर y, और दूसरा है 8 इंटू 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। एक दो उत्तम नहीं बना होगा, चलो थर्ड, कहीं लैपटॉप सही रहेगा तो लैपटॉप में आ जाए, क्वेश्चन हमको लिखना जरूरी था। अब है मेरा प्रूफ टेस्ट वाला नहीं हुआ, चलो इतना ही रहने दो, इसका मतलब एक और बनाना होगा। जय माँ बंगला माता।